एवरीवन, आज मैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि अभी क्वारंटाइन में काफ़ी कॉमन है, दैट इज़ वेट लॉस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बिकॉज अभी मैं अपने फ्रेंड्स से बात कर रही हूँ, कुछ भी किसी को टेक्स्ट या कॉल कर रही हूँ ये पूछने के लिए कि कैसा चल रहा है क्वारंटाइन, तो मोस्ट ऑफ देम आर रिस्पॉन्डिंग इन द एग्जैक्ट सेम वे कि कुछ नहीं यार, खाते पीते हैं, दिन भर सोते हैं, पेट निकल रहा है, मोटे हो रहे हैं, जितना वेट लॉस किया था वो सब रीगेन हो गया है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मैंशन फ्यू पॉइंट्स जिससे आप अपना वेट भी मैनेज रख सकते हो और बिना स्ट्रेस या ऑब्सेस्ड हुए। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज स्ट्रेस इट्सेल्फ। ये मैंने अपनी पहली वीडियोज में ही बताया है कि स्ट्रेस कितना हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए और आपकी स्किन के लिए भी। सो बिकॉज जब स्ट्रेस होता है हमको तो स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है और हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से हमें क्रेविंग होती है और कभी भी भूख लगती है, कुछ भी खाने का मन करता है, जो भी हमारा कंफर्ट फूड है। तो प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन योर स्ट्रेस इन अ प्रॉपर वे। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, वो सिर्फ वेट लॉस या खाने का नहीं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी स्ट्रेस हो रहा है अभी, तो प्लीज़ आप ट्राई करो कि आप उसको मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल अबाउट द फूड यू हैव। बिकॉज आई नो कि अभी अगर हम लोग एक अपना डाइट चार्ट भी बना लेते हैं कि हम ये हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाएंगे, आफ्टरनून में ये खाएंगे, डिनर में ये खाएंगे, बट वो नहीं फॉलो हो पाता है क्योंकि अभी हम सब लोग घर पे हैं और रोज़ कुछ ना कुछ बन ही जाता है। जैसे कभी जलेबियाँ बन गई, कभी मोमोज बन गए, कभी कुछ भी बन सकता है। सो उस टाइम पर हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि हमने जो अपना डाइट सोचा था उसको हटाते हैं साइड में और सोचते हैं चलो आज हम ये खा लेते हैं, आज तो चीट डे है, और हम भर के वो खा लेते हैं, जो बहुत ही गलत अप्रोच है। तो बेस्ट थिंग ये है इस टाइम पे कि आप जो डाइट सोच के रखते हो उसको फॉलो करो। अगर आपने सोचा है कि मुझे लंच में सैलड खाना है, तो सैलड का बड़ा सा बोल खाओ, और घर में उस दिन अगर मोमोज भी बन गए तो आप दो तीन मोमोज के पीसेस लीजिए, साइड में एक छोटी प्लेट में उसको भी रख लीजिए। ऐसे आप मॉडरेशन में खाओगे तो आपकी बॉडी का वेट इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होगा। और प्लेट में जो भी आपके पास खाना है, वो मोमोज हो या हेल्दी सैलड हो या फ्रूट्स हो, प्लीज़ कभी भी उसको खाते वक्त एब्यूज़ मत करो। कभी ये मत सोचो कि अरे यार ये मैं क्या खा रहा हूँ, ये तो बहुत कचरा है, ये तो गंदा है, मेरी बॉडी में कैसा इफ़ेक्ट करेगा, बट अब क्या कर सकते हैं, क्रेविंग हो रही है, खाना भी है। प्लीज़ आप स्मॉल पोर्शन में लो और खाओ उसे, और हर बाइट पे ग्रेटफुल फील करो कि एटलीस्ट यू हैव दिस फूड। बिकॉज आपने न्यूज़ में, वीडियोज़ में सब जगह देखा होगा कि लोगों के पास नॉर्मल दाल रोटी भी नहीं है खाने के लिए। And trust me, the way you feel about your food, it treats the body in the same way. इससे आपका वेट इंक्रीज भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा, और आप मॉडरेशन में भी खा पाओगे। सो प्लीज़ अपनी हेल्दी डाइट को मत छोड़िए अगर घर में कुछ भी फास्ट फूड बन रहा है तो। Now moving on to the third point, that is we crave what is available near us. So ये बहुत ही नॉर्मल मेंटालिटी है हम लोगों की कि अगर हमें पता है कि फ्रिज में आइसक्रीम रखा है और रात को हम कुछ काम कर रहे हैं और हम फुल हैं, हमने डिनर कर लिया है, बट स्टिल हमको पता है, माइंड में है ये बात कि फ्रिज में आइसक्रीम है, तो हम लोगों को क्रेविंग होगी होगी, और वो कब तक आप रुकोगे। सो द बेस्ट थिंग इज़ जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग पर जा रहे हो या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करके रखिए कि मुझे 80% जो भी सामान लेना है वो मेरा होममेड मील्स के लिए होगा और नॉर्मल फ्रूट्स और वेजीज वाला होगा। बाकी 10-20% आई कैन बाय फॉर माई स्नैक टाइम ऑल्सो। बट ऐसा मत कीजिए कि जब गए हैं बाहर शॉपिंग करने या ऑनलाइन कर रहे हैं तो स्नैक्स के नाम पे सब कुछ स्नैक्स वाला भर लिया है, नमकीन बिस्किट चिप्स वगैरह सब भर लिया है। वो बहुत ही गलत अप्रोच होती है, क्योंकि उस वजह से क्या होता है कि जब भी आप फ्री होते हो घर में या आप बिज़ी हो या काम कर रहे हो और आपको थोड़ी सी भी क्रेविंग हुई, तो आपको पता होता है कि मेरे पास चिप्स रखे हैं, बिस्किट्स रखे हैं, एंड यू जस्ट गो फॉर इट, जो कि बहुत बहुत गलत है। तो बेस्ट थिंग है कि आप कम क्वांटिटी में लाओ, जिससे कि आप उसे आराम से वंस और ट्वाइस अ वीक ही खाओ। ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम ना करो और बहुत ही मॉडरेशन में कंज्यूम करो। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ हैविंग अ प्रॉपर स्केड्यूल एंड रूटीन। सो आई नो अभी क्वारंटाइन में किसी का भी कोई प्रॉपर रूटीन नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को काम भी ऐसा रूटीन वाइज नहीं होता है कुछ भी, तो जब हमारा मन करता है हम कर लेते हैं, तो इट्स ओके। बट जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि नाना खाना, इन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ एक प्रॉपर टाइम स्केड्यूल रखिए, स्पेशली सोने के लिए, क्योंकि मैंने ये पहले भी बात की है कि स्लीपिंग साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके हॉर्मोन्स को एंड अल्टीमेटली टू योर बॉडी एंड योर स्किन ऑल्सो। और जब आपकी बॉडी क्लॉक हमेशा सिंक में रहती है, तो आपके हॉर्मोन्स भी हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं और आपकी बॉडी बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, स्पेशली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एंड योर मेटाबॉलिज्म, जो बहुत इफेक्ट करता है आपके वेट पर।
भले ही आप अपने लिए एक प्रॉपर डाइट चार्ट नहीं सोच पा रहे हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं, आप नॉर्मल होममेड खाना खाइए एंड प्लीज़ अपना रूटीन प्रॉपर रखिए, अपना सोने का टाइम जल्दी रखिए, उठने का टाइम जल्दी रखिए। जितना आप नेचर के साथ सिंक में रहेंगे उतना ही आपकी बॉडी आपको बहुत अच्छे से हील करेगी। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड मोस्ट अमेजिंग पॉइंट, दैट इज़ अ पावरफुल एंड अ हेल्दी मील अ डे। अगर अभी तक जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो या आप फेल हो जा रहे हो, तो एटलीस्ट डू दिस थिंग कि जितने भी मील्स हैं आपके दिन के उसमें से एक मील ऐसा रखिए जो सिर्फ हेल्दी हो और जितना रॉ हो सके उतना रॉ मटेरियल से बना हो, मतलब ज़्यादा ऑयल नहीं होना हो और ज़्यादा स्पाइसेस ना हो और वेजीज हो काफ़ी, फ्रूट्स हो, समथिंग लाइक दैट। इससे आपको काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच फूड भी मिलेगा और आपकी कैलोरीज भी काफ़ी मेंटेन रह पाएंगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कल से प्लान कीजिए कि मेरा जो ब्रेकफास्ट रहेगा वो काफ़ी हेल्दी रहेगा और उसमें कुछ भी ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं रहेगा। और अगर आप एक हफ्ते तक इसको फॉलो करते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम से इसमें लंच भी इंक्लूड कर सकते हैं और फिर ऐसे ही डिनर भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इन दिस वे यू कैन प्लान अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर योरसेल्फ। सो दीज ऑल वर द पॉइंट्स आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। एंड वन मोर थिंग कि प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ, आई मीन आप लोगों के वर्कआउट वीडियोज़ देख करके या मॉडल्स को देख करके या इंस्टाग्राम पर काफ़ी मतलब लोगों को देख करके प्लीज़ ये मत सोचिए कि अरे यार अभी कहाँ, जब सब ठीक हो जाएगा तो हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे। सो प्लीज़ इट डजेंट वर्क्स लाइक दैट, देर इज़ नो परफेक्ट टाइमिंग टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट नाउ इफ़ यू रियली वॉन्ट इट। एंड सक्सेस इज़ नॉट अबाउट हैविंग दैट परफेक्ट बॉडी यू आर ऑलवेज ड्रीमिंग ऑफ, सक्सेस इज़ द फर्स्ट मील यू आर करेक्टिंग फॉर योर सेल्फ एंड द फर्स्ट वर्कआउट यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। सो प्लीज़ छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए रोज़ और ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको काफ़ी मदद करेंगे आपका वेट मेंटेन रखने में भी और स्ट्रेस फ्री रहने में भी। एंड प्लीज़ डोंट गेट ऑब्सेस्ड अबाउट इट बिकॉज अभी क्वारंटाइन है और सबके साथ ही सब चीज़ें हो रही हैं, सबको लग रहा है कि हम मोटे हो रहे हैं, ये हो रहा है। बस छोटे छोटे चेंजेस रखिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाने की कोशिश कीजिए, दैट्स इट एंड टेक केयर।